अभी कुछ दिन पहले डेफिसिट बजट सादर किया है। डेफिसिट बजट का अर्थ यह होता है कि जितना आमदनी है उससे ज़्यादा आपका खर्चा है। तो राज्य सरकार को अगर समझो 10 रुपये का आमदनी है और उनका 20 रुपये का खर्चा है, तो इसका मतलब है कि 10 रुपये का डेफिसिट हो गया, इसका अर्थ यह होता है। अब जब डेफिसिट है, मतलब अगर आपका आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा है, इसका मतलब आपका खर्चा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आमदनी से भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, इसीलिए तो आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो कर्जा लेकर के, टैक्स बढ़ा के। मगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ही कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी खर्चे के बारे में आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ड्राइवरों की नियुक्ति की है 102 नंबर के एम्बुलेंस पे। ये ड्राइवर केंद्र सरकार के NRHM की तरफ से फ्री मिल सकते हैं, इनकी पगार फ्री हो सकती है केंद्र सरकार की तरफ से, इसको राज्य सरकार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मगर राज्य सरकार इसको खर्च कर रही है और टेंडर निकाल रही है कि हम बोलो निकाल चुकी है और बोला है कि भाई आप इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमारे पास आइए। बोले तो गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम चल रहा है NRHM से, लेकिन मैं नहीं लूँगा और मैं राज्य सरकार की तिजोरी से ही खर्च करूँगा। तो राज्य सरकार की तिजोरी से खर्च करेंगे जब आपको मुफ्त मिल रहा है, तो इसका ब्याज जो भी होगा ये हम लोग सर्वसामान्य लोग क्यों भरे? क्योंकि ओवर स्पीडिंग का पहले चार्ज था 500 रुपये, अभी ओवर स्पीडिंग का चार्ज हो गया 2000 रुपया। हर चीज़ में टैक्स बढ़ चुका है, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत ही नहीं है, जो फ्री में मिल रहा है उसको हम खरीद क्यों रहे? और अगर हमको खरीदना है तो फिर इसका टैक्स हमारे ऊपर आने वाला है। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जो फुकट में काम हो रहा है, उसको खरीदा क्यों जा रहा है? ये मेरा सवाल है। और ये मैंने राज्य सरकार से बात की है इसके बारे में और उनको समझ में आया कि गलती हुई है, और उसके हिसाब से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है कि भाई ये गलती हुई है, इसको चेंज करो। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं राज्य सरकार की जो जहाँ पे ज़रूरत नहीं रहते भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और ये सब पैसे खर्च करके इसका टैक्स का जुर्माना जो है हमको भरना पड़ रहा है कॉमन सिटीजन्स को। आज ट्रैफिक लाइट पे अगर पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसके मोबाइल में अपनी फ़ोटो खींच जाती है, अपनी गाड़ी का नंबर खींच जाता है, तो कितना पैसा भरना पड़ता है मोटरसाइकिल वालों को, स्कूटर वालों को, रिक्शा वालों को, ये आप ही जानते हैं। तो ये पैसा हम ज़्यादा क्यों भरें जबकि हमको ज़रूरत ही नहीं है? तो अगर हमको ज़रूरत नहीं है, अगर नेता चोर हो रहे हैं और ट्रैफिक वाले हमसे जब पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये तो बात सही नहीं है। तो इसका मतलब हमने गवर्नमेंट गलत चुनी है, और अगर हमने गवर्नमेंट गलत चुनी है तो किस जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कुछ बोलना चाहिए, मगर वो भी चुप है क्योंकि उनके भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। बीजेपी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, शिवसेना के, राष्ट्रवादी के, MIM के, कांग्रेस के, सबके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। सब लोग मजा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और यहाँ पे हमारे जैसे लोग ट्रैफिक वाले फोटो निकाल के 500 का 2000 रुपये कर चुके हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो लोग लूटते रहेंगे। तो लग रहा है सत्ताधारी और विरोधी पक्ष पे एक ये इन पे आरोप कर रहे हैं CD का, ये तो पेन ड्राइव का, वो बोलने की बात है, वो बोलने की बात है, उसको क्या लगता है? लेकिन जो सच्चाई सामने आई है आपके, रखी है मैंने पुरावों के साथ पे, इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग? ये तो मेरे पास प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना मैं, और ये भी बोल रहा हूँ, इसका भी प्रूफ मैंने दिया है कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये बात मैंने बोली तो उनको बात समझ में आई और उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है। इसका मतलब बात में दम है। तो अगर बात में दम है तो बात हो क्यों नहीं रही है? किसने रोका हुआ है और कौन बोलने है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? ना MIM बोल रही है, ना BJP बोल रही है, कांग्रेस, NCP और गवर्नमेंट, उनका तो गवर्नमेंट ही है, क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? ये क्या डेवलपमेंट के लिए नहीं की जाती? लूट हो रही है यहाँ पे, हम लोग ट्रैफिक पुलिस का पैसा भर भर के थक गए हैं। थोड़ा गाड़ी इधर उधर हो गया तो स्क्रीनशॉट निकाल लेता ट्रैफिक वाला और डाल देता, वो पैसे भरने पड़ते, बिल आता हो कभी पकड़ लिया तो हमने पैसे भरना, तुमने चोरिया करना क्या? और हमने तुमको वोट करना, तुम्हारे झंडे लेके हमने कूदना, ये तुम्हारा काम नहीं है पॉलिटिशियन लोगों का। ये क्या हो रहा है, गलत चल रहा है, रोको इसको, क्यों नहीं बोल रहे? तो आपका बोलने का मतलब है खासदार साहब ने बोलना, इस पे सबने बोलना चाहिए, खासदार ने बोलना चाहिए, फडणवीस ने बोलना चाहिए, तुम्हारे राज ठाकरे साहब ने बोलना चाहिए, सबने बोलना चाहिए। किसान सभा ने भी उंगली उठाई है, किसानों के लिए भी बहुत कम चीजें दी गई है, इस पर क्या भूमिका है आपकी? मुझे लगता है कि अर्थसंकल्प में जो चीजों को प्राधान्य देना चाहिए वो प्राधान्य नहीं दिया है। सर बिजली बिल माफी की बात है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, सब पे बहस हो सकती है, बहस हो भी रही है, नाटक भी चालू है, मगर वो बात अलग है। बात ये है कि जिस चीज की सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आपको एक चीज आपको फ्री में दी जा रही है, जैसे मैंने मोबाइल आपको फ्री में दिया है ये, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि नहीं मुझे मोबाइल फ्री में मत दीजिए, मैं कर्जा निकालता हूँ और मोबाइल आपसे खरीदता हूँ, ये क्या बात हुई?
तो ऐसे कितने ड्राइवर है महाराष्ट्र में? 2000 लोग हैं, और ये एक ही डिपार्टमेंट की बात है, वो भी एक ही एम्बुलेंस की बात है, पर ये जो कंप्यूटर चालू रहते हैं उनकी भी यही बात है, एसटी के ड्राइवर्स है उनकी भी यही बात है। कम से कम महाराष्ट्र में 2 से 3 लाख लोग ऐसे है जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से है। तो आपको क्या डायरेक्ट अगर भर्ती करते हैं ये लिख के कि भाई पीएफ पेंशन हम लोग नहीं लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर बीच पे से चला जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर अगर बीच पे से चला गया तो भले ही कम पैसे सरकार दे, वो जितने पैसे देगी उतना लोगों तक जाएगा। आज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर 16,000 दे रही है तो 8,000 वहां तक जा रहा है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में कितने पैसे एक्स्ट्रा जा रहे? 120 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। यानी तो जनता की, ये जनता की लूट है, और इसके लिए हमको 500 से 2,000 हो चुका है रिफाइन। तो आपको क्या लगता है कि विरोधी पक्ष और सत्ताधारी मिले हुए क्योंकि उनके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। फिर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है महाराष्ट्र में, और हर कॉन्ट्रैक्टर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का है।